हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई सब मस्त चल रही है? तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो में आ गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप पढ़ा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, प्ले लिस्ट पर जा करके बेटा प्ले लिस्ट पर जाना सीखिए। प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको ग्रुप थ्योरी के सारे वीडियोज सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। ठीक है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें से ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। ग्रुप थ्योरी के सारे वीडियो बेटा पढ़ लीजिए, बहुत से वीडियो ग्रुप थ्योरी के बेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ। देखो बच्चों, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हो सकता है ये वीडियो बीच में ब्रेक हो जाए, टूट जाए। अगर ये वीडियो बीच में ब्रेक हो जाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले वीडियो में अपलोड होगा, है ना? क्योंकि कुछ सेटिंग ऐसी है कि 51 मिनट के बाद हमारा जो वीडियो अगर जाएगा तो टूट जाएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने बता दिया। अगला पार्ट भी इसका देखिएगा, मैं तुरंत अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बच्चों, ये सब ग्रुप से रिलेटेड एक थ्योरम है और ये इसका रिजल्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कई बार हमारे यहाँ पूछा जाता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो बच्चे बीएससी या एमएससी कर रहे हैं उनके एग्जाम में ये प्रूविंग करने को बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर पूछा जाता है। देखो बच्चों, रिजल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं उसका यहाँ पर प्रूव करता हूँ। देखो बच्चों, क्या है यहाँ पर, मैंने मान लिया कि जी कॉमा ओ कोई ग्रुप है मेरा, ठीक है, और एच और के, यानी एच कॉमा ओ एंड के कॉमा ओ जो है ये फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं जी के, आर फाइनाइट सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ जी। ये दोनों जी के फाइनाइट सब ग्रुप हैं, है ना, एच और के, ये दोनों जी के फाइनाइट सब ग्रुप हैं। तो देखो, एक थ्योरम होती है, थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच और इनटू ऑर्डर ऑफ के और डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। देखो बच्चों, ये थ्योरम होती है। एच इंटू के का मतलब वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन या उसके बीच में ऑपरेशन होता है बेसिकली। ठीक है, तो कई बार वो मतलब उसे हम मल्टीप्लीकेशन भी बोल देते हैं, प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, है ना, वो मतलब ऑपरेशन होता है बीच में, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जनरली मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं उसको हम। तो ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो में, मतलब पुराने वीडियो देखिए, ठीक पिछले वीडियो मैंने बताया था एच इंटू के क्या होता है। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो अगर हमें, तो एच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एच इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एच के नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये एच के नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, आप इसको ऐसे समझिए। एच के मैंने क्या बताया था बच्चों, कि जैसे मान लो एच के है, तो एच के में क्या आता है, इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, एच वन के वन कॉमा एच टू के टू, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स। मतलब एच वन का ऑपरेशन हम के वन से करेंगे, है ना, ऑपरेशन या मल्टीप्लाई कुछ भी कह लो, और इस टाइप के सारे एलिमेंट हमें लेने हैं, एच टू ऑपरेशन के टू, इस टाइप के हमें सारे एलिमेंट लेने हैं, और यहाँ पर इसको भी हम एच ऑपरेशन के लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये मतलब होता है। तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे अलग अलग, जैसे ये मत समझना जितने एच में है उतने के में है, उसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो यहाँ पर एच के एलिमेंट्स, क्योंकि देखो इनमें से कई सारे सेम भी हो जाएंगे ना, जैसे ये बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आपस में सेम हो जाएंगे, तुम्हें लगता है इसमें कौन सी बात है, एच के निकालो मल्टीप्लाई कर दो। देखो थ्योरम क्या करी, थ्योरम करी है एच के एलिमेंट लो, के एलिमेंट लो, उनको मल्टीप्लाई करो, लेकिन इंटरसेक्शन के डिवाइड भी करो। अब देखो मतलब जो कॉमन होंगे उनको हटाओ बीच में से, क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होंगे ना जो इनमें सेम 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 हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर एच के डिफरेंट एलिमेंट्स को निकालने का ये एक फार्मूला मिल गया है, है ना। देखो कैसे बेटा इसकी प्रूविंग हम लोग करेंगे, इसको देखो बच्चों हम लोग समझते हैं जरा ध्यान से। इसकी प्रूविंग देखो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर करनी है, ठीक है, तो इसकी प्रूविंग करनी है हमको बच्चों यहाँ पर। तो हम लोग देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग H इंटरसेक्शन K को लेकर चलेंगे। देखो ध्यान दो, चूंकि H भी एक सब ग्रुप है, K भी एक सब ग्रुप है, तो ध्यान रखना H इंटरसेक्शन K भी एक सब ग्रुप होगा, है ना, ये भी एक सब ग्रुप होगा। ये अपने आप पे बच्चों एक थ्योरम थी, मैंने बताया था आपको कि अगर दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा सेम ऑपरेशन के लिए,
जैसे एच कॉमा ओ, ओ यही जी वाला ऑपरेशन है, के में भी यही जी वाला ऑपरेशन है, और यहाँ पर भी जो ऑपरेशन होगा वो यही ओ होगा, जी वाला ऑपरेशन, ध्यान रखना। ये भी सब ग्रुप होगा, ये बात हमको मालूम है, ये अपने आप में थ्योरम थी। अच्छा, अब जरा बच्चों एक बात यहाँ पर समझिए, इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने डी कह दिया आसानी के लिए, मान लो ये हमारा डी है, इसको मैंने डी कह दिया, थोड़ा सा आसानी के लिए, बार बार लिखना मुश्किल पड़ता है इंटरसेक्शन के, तो हमने कहा मान लो ये थोड़ा डी है, जिससे लिखने में थोड़ा हमें इजी हो जाए, तो डी भी क्या है, एक सब ग्रुप है। अच्छा, अब जरा एक बात ध्यान दो, ये जो डी होगा, चूंकि ये एच और के इंटरसेक्शन से बना है, तो डी जो होगा ये एच का भी सबसेट होगा और ये के का भी सबसेट होगा, ध्यान दीजिए। और डी चूंकि अपने आप में एक सब ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं डी एच का भी सब ग्रुप होगा और के का भी सब ग्रुप होगा, है ना भाई। जो एच इंटरसेक्शन के है ना, देखो एच जी का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, तो अच्छा डी कैसे मिला, एच और के इंटरसेक्शन से मिला, है ना, इसको मैंने डी मान लिया, एच के इंटरसेक्शन को डी मान लिया। तो जो इंटरसेक्शन होता है ना, जैसे कि इन जनरल मान लो मैं ए इंटरसेक्शन बी ले लूं, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ये ए का भी सबसेट होता है, ए से भी छोटा होता है, और ये बी से भी सबसेट छोटा होता है, मतलब ये एक अपने आप में जनरल रूल है, है ना। सोचो जो इंटरसेक्शन होगा कॉमन, वो ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं, ये तुमको मालूम ही है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो, चूंकि ये डी जो है ना एक सब ग्रुप है, इसीलिए हम कह सकते हैं डी जो है ये एच का भी सब ग्रुप है और के का भी सब ग्रुप है, मत समझिए। तो डी जो है ना, ये सब ग्रुप, वैसे तो ये जी का भी सब ग्रुप है डी, लेकिन ये एच और के का भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ एच एंड के। डी जो है ना, चूंकि ये छोटा भी है और ग्रुप भी है, है ना, क्योंकि वैसे ये जी का सब ग्रुप है, तो जी का सब ग्रुप है मतलब ये ग्रुप हो गया, और अगर ग्रुप हो गया और इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा, इसका मतलब इन दोनों का भी वो सब ग्रुप हो गया, आप समझिए ध्यान से, बोलो समझ गए ना। तो डी जो है वो एच और के दोनों का सब ग्रुप होगा, है ना, क्योंकि वो एच से भी छोटा है, के से भी छोटा है, और वो खुद भी एक सब ग्रुप था पहले, किसका सब ग्रुप था, जी का, क्योंकि एच और के जी के सब ग्रुप है, तो डी भी जी का सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप का मतलब वो ग्रुप बन गया, और अगर ग्रुप बन गया और एच ओ के से छोटा है, तो वो एच और के का भी सब ग्रुप बन गया, बस समझे बच्चों, चलिए। अच्छा, अब देखो क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या देखो लैग्रांज थ्योरम का, देखो बच्चों का रिजल्ट था, रिजल्ट ये था, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, राइट कोसेट्स, या इसी को हम डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है, ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डी, क्योंकि डी क्या है, के का सब ग्रुप है। तो लैग्रांज थ्योरम देखो बच्चों क्या कहती है, कि अगर हमें नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट या डिफरेंट लेफ्ट कोसेट निकालने होंगे, तो हम लोग n की वैल्यू को निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ k डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ d। मैंने बताया था कि लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, कि जो सबग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहां पर d जो है वो k का सबग्रुप है, k को ले लिया, h को भी ले सकते थे, k को ले लिया, मान लिया हमने, है ना। तो d क्या है, k का सबग्रुप है, तो सबग्रुप का ऑर्डर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, जो रिजल्ट है वो डिफरेंट कोसेट्स, राइट कोसेट कह लीजिए या लेफ्ट कोसेट कह लीजिए, है ना, उनके बराबर होगा, क्योंकि दोनों का नंबर सेम होता है, राइट कोसेट ले लें या लेफ्ट कोसेट ले लें, यही हमारी बच्चों क्या है, लैग्रांज थ्योरम होती है। ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बच्चों बताया था। अच्छा, अब देखो जरा बच्चों ध्यान दो, हमें ये प्रूव करना है, इसको यहां लिख लेते हैं साइड में, जो इसको क्योंकि मिटाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इसको हमने साइड में यहां पर लिख लिया, इसको प्रूव करना है, क्योंकि मिटाना पड़ सकता है बीच में कई चीजें। तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ कोसेट्स है, ठीक है, डी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोसेट में क्या होता है, मैंने बताया था कोसेट में क्या होता है, जैसे मान लो
अगर H है और वो G का सब ग्रुप है, तो मैंने बताया था जैसे ये AOH लेफ्ट कोसेट, एक इसका एलिमेंट है G का, तो A एलिमेंट G का है, तो क्या होता है AOH1 फिर AOH2 ऐसे करके निकालते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोसेट, है ना, इस प्रकार के कि A का आपने एक एलिमेंट उठाया, उसको H के सारे एलिमेंट ऑपरेट किया तो एक कोसेट मिला। इसी प्रकार आप A का G का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे मान लीजिए B, और फिर आप B के लिए भी लेफ्ट कोसेट निकाल सकते हैं, तो कई सारे देखो यहाँ पर कोसेट्स मिल जाते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट है, और अगर A से राइट में ऑपरेट करते हैं तो उसको राइट कोसेट कहते हैं। कोसेट कैसे निकलता है भाई, ग्रुप के एलिमेंट्स को हम सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करते हैं, जैसे A क्या है ग्रुप का एलिमेंट और H के साथ में ऑपरेट किया, मतलब H के हर एक एलिमेंट से हमने इसको बच्चों यहां पर देखो ऑपरेट किया, ठीक है। तो अच्छा अब देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो चूंकि जो हमारा D है वो K का सब ग्रुप है, ठीक है, D हमारा जो है बच्चों वो K का सब ग्रुप है, तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे समझो, ये क्या हुआ कपड़े में इंक पहले से ही थी भाई, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ काफी बेटा इंटरेस्टिंग थ्योरम है देखो ये, है ना, थोड़ा टफ है लेकिन आप टफ नहीं समझ के पढ़ेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। ये क्या है नंबर ऑफ कोसेट्स है, ठीक है, के और डी के लिए, K का K क्या है ग्रुप और D क्या है उसका सब ग्रुप, तो K और D के लिए ये हमारे नंबर ऑफ कोसेट्स हैं, ठीक है। अच्छा देखो मान लो बच्चों हमारा जो K है उसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो K1 K2 से लेकर के K लैम्डा, K के पास एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम कोसेट्स निकालते हैं, मान लीजिए हम राइट कोसेट्स निकालते हैं, है ना, लेफ्ट या राइट कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट कोसेट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा राइट कोसेट, डी के वन निकलेगा, वही मतलब वही एच को ए के राइट, मतलब ए को एच से राइट में ऑपरेट करते हैं, या कई बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी लिख देते हैं, वही मतलब बताया ना, खाली ए एच भी हम लोग लिख सकते हैं या खाली हम लोग बी एच भी लिख सकते हैं, की बात है ये लेफ्ट कोसेट है, और इसी प्रकार अगर ए को राइट में ले लेंगे तो वो राइट कोसेट हो सकता है। ए कहां से है, जी से, और एच क्या है सब ग्रुप, तो वैसे ही देखो D क्या है सब ग्रुप और A एलिमेंट कहां का है, K1 का है, K का एलिमेंट है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बहुत सारे हमारे राइट कोसेट्स निकलेंगे, मान लीजिए इनका नंबर N है, N है ना, N क्या है, ये है नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट्स, ऐसा मैंने मान लिया, वही देखो हमने यहां निकाला N क्या है, ये वही N जो नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट कहते हो या डिफरेंट लेफ्ट कोसेट कहते हो, दोनों का नंबर सेम होगा, ये वही एन है, वही मैंने यहां मान लिया कि मान लो जितने के के एलिमेंट्स है उतने कोसेट नहीं होते हैं, ये बात, ये गलती नहीं करना, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसा नहीं सोचना, पुराने वीडियो देखो बेटा, है ना, ये सब वीडियो बेटा बिना देखे हम आगे नहीं समझ सकते, बहुत से बच्चे आगे की बातें करते हैं सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, क्योंकि बेटा पुराने वीडियो बिना समझे आप आगे की बड़ी बड़ी थ्योरम नहीं पढ़ सकते, इनको समझना पड़ेगा बच्चों, हर चीज समझने पर समझिए तो आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, जब मैं समझ में आती ना तो दिमाग जो है वो खिल जाता है, ठीक है, दिमाग को अपनी डोज मिलती है खुराक मैथ्स पढ़ने से, हर आदमी की अपनी खुराक है ना, तो दिमाग को भी अपनी खुराक मैथ्स पढ़ने से मिलती, ध्यान रखना। चलिए खैर मान लो ये टोटल हमारे एन डिफरेंट कोसेट्स हैं। अच्छा अब देखो बच्चों जो हमारे कोसेट्स होते हैं ये सारे डिफरेंट कोसेट्स हैं, इन सब का जब हम यूनियन ले लेंगे, क्योंकि ये सब डिफरेंट है, मैंने ऐसा मान लिया इन सब का जब हम यूनियन ले लेंगे तो हमें के मिल जाएगा, क्योंकि जब हम अलग अलग कोसेट्स का यूनियन लेते हैं तो पूरा सेट मिल जाता है। यहां पर भी ऐसा था, ए एच कह दो या बी एच कह दो, जब हम अलग अलग राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट का यूनियन ले लेते थे ना तो जी मिल जाता था, ये आप पढ़ चुके हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर डिफरेंट है तो, और डिफरेंट होंगे ही, यहाँ मैंने मान लिया क्योंकि ये डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अभी बताओ समझिए, चूंकि ये सब डिफरेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है,
अच्छा अब देखो हमें यहाँ पर जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग एच के चाहिए, एच के का ऑर्डर निकालना है। देखो अब हम एच के को निकालें, देखो एच और के की वैल्यू हम यहाँ पर बच्चों निकालेंगे। देखो एच के का मतलब वही अपना क्या कि एच कंपोजिशन के, और के का मतलब देखो ये है, तो एच कंपोजिशन के और के में देखो ये वैल्यू आ रही है क्या डी के वन और यूनियन अपना डी के टू और यूनियन अपना डी के थ्री, ऐसे करके हो रहा है। बस समझे डी के वन डी के टू वही अपना के वन के टू के थ्री किसके एलिमेंट है के और डी क्या है उसका सब ग्रुप है। तो जैसे यहाँ पर एच ए एच बी एच सी निकालते थे ना, बिल्कुल वही चीज बच्चों यहाँ पर भी। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि कंपोजिशन लेना है तो H का कंपोजिशन सभी से लिया जाएगा, एच ओ डी का K1 से कंपोजिशन लेंगे यूनियन। अब देखो यहाँ पर एच डी आ गया, एच डी सर आ गए ऐसे करके लेंगे, एच ओ डी आ गया, बल्कि एच ओ डी, एक्चुअली मेरा पूरा नाम भी एच ओ डी ही है, ठीक है एच ओ डी, मतलब मैं तो बाय बर्थ एच ओ डी हूँ सही है, तो शॉर्ट में एच डी कह देते हैं। चलो खैर अब देखो बच्चों ध्यान दो, ये मैंने लिखा। अच्छा अब जरा बच्चों एक बात और समझिए, चूंकि जो D है ना ये H का भी सब ग्रुप है, K का भी सब ग्रुप है, तो चूंकि D H का सब ग्रुप है तो जब हम H और D निकालेंगे, एच डी या एच ओ डी कह दो एक ही बात है ना, ये जो है ना इसका मतलब वही एच डी है ना, फिर K1 यूनियन क्या है एच डी और के टू, देखो ये वही राइट कोसेट हो गया, एच डी का राइट कोसेट, एच डी का राइट कोसेट है ना, अलग अलग एलिमेंट के वन के टू के थ्री सब एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्योंकि एच और डी के एलिमेंट्स आएंगे वही मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दो ग्रुप का, तो क्या होगा ऐसे करके आएगा एच वन ओ डी वन कॉमा एच टू ओ डी टू। अब जरा समझो चूंकि डी क्या है एच का सब ग्रुप है, तो जब आप ये सारे एलिमेंट्स का कंपोजिशन लोगे ना तो वो एच के ही बराबर आएगा अपने आप ही, क्यों, क्योंकि डी जो है ना ये एच का सबसेट है, उसका सब ग्रुप है। तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा और अगर आप उनके इस टाइप के एलिमेंट निकालोगे है ना, तो वो एच के ही बराबर आ जाएंगे। सोचो एच और डी के एलिमेंट्स का जब आप कंपोजिशन लोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना वो एच के ही बराबर आ जाएगा, बड़े के बराबर आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी भी इनमें होंगी, भाई एच और डी दोनों ही सब ग्रुप हैं, दोनों के पास आइडेंटिटी होगी। तो जब आइडेंटिटी होगी, जैसे कि मान लो आपने डी को आइडेंटिटी की जगह ई ले लिया, तो ई को जब आप एच वन ओ ई एच टू ओ ई करोगे तो एच वन एच टू सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे, एच के ही आ जाएंगे, तो एच के बराबर भी हो जाएगा वो, और बाकी सारे एलिमेंट उसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डी क्या है एच का चूंकि सबसेट है इसलिए ऐसा होगा, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है एक्चुअली वो एच के ही हैं, जो डी के भी एलिमेंट्स हैं वो भी सारे एच के ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि डी एच का सबसेट है। तो जब उनका आपस में आप ऑपरेशन करोगे तो वो क्या देगा, एच के ही एलिमेंट देगा केवल, क्योंकि बेसिकली वो सारे एलिमेंट एच के ही हैं, तो एच के एलिमेंट्स का जब आप आपस में ऑपरेशन लोगे, क्योंकि एच भी एक ग्रुप है, तो जब एच के एलिमेंट्स का आपस में ऑपरेशन लोगे तो वो एच के एलिमेंट वापस आपको देगा, इसलिए ये एच के बराबर हो जाएगा, है ना, ये बात समझो। तो इन सब को हम खाली एच लिख सकते हैं, एच के वन यूनियन एच के टू एंड सो ऑन, है ना, ये हम लिख सकते हैं। और ये कितने हैं, ये इनका नंबर एन है, ध्यान रखना इनका नंबर क्या है बोलो, एन है, तो ये एन है, एन डिफरेंट है ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डी के वन डी टू इनका भी नंबर एन था, इनका नंबर एन था, ये यहीं पर आए हैं, तो एच के साथ हमने सबका ऑपरेशन लिया, तो इनका नंबर कितना है बोलो एन। तो एच के की वैल्यू क्या हो गई, एच के वन एच के टू एच के थ्री से लेकर के ये डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे वो ये एन डिफरेंट होंगे। अच्छा अब देखो जैसे कि ये डी के वन डी के टू डी के थ्री ये डिफरेंट थे, अब जब हमने इनको एच के साथ में ऑपरेट किया मतलब एच से इनका मल्टीप्लीकेशन लिया, तो क्या ये भी डिफरेंट होंगे, ये तो हम डिफरेंट मान के चल रहे थे है ना, तो हमने डिफरेंट मान लिए थे, क्या ये भी डिफरेंट होंगे। अब मतलब ये लोग कहते हैं थ्योरम वाले कि ये प्रूव करो कि ये भी डिफरेंट है, कैसे पता ये डिफरेंट है, क्या पता इनमें कुछ सेम हो गए, तो क्योंकि एच आप ले आए हो नई चीज,
यहां तो आपने डिफरेंट मान लिया, चलो मान लिया तो मान लिया, बस खत्म हो गई, है ना। यहां तो आप h को ले आए हो, तो क्या पता फिर दो दो चीजें सेम बन जाए, तो कैसे करोगे ये डिफरेंट है। तो कहते हैं इसको भी प्रूव करके दिखाइए कि ये डिफरेंट है, बस समझे। बोलो ये वही एच ओ डी का मतलब, वही एच डी, एच डी मतलब दो सेट्स का मल्टीप्लीकेशन, दो सब ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वही है ना, दो का ऐसे एच को के से किया मल्टीप्लाई और के की वैल्यू एक्चुअली ये है, तो के की जगह ये ले आए, फिर सबका सबके साथ में गया यूनियन, बस समझे, वही चीज है ये। तो अब हमें क्या करना है कि ये सब के सब डिफरेंट है ऐसा प्रूफ करना है। देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सारे के सारे आपस में डिफरेंट है। कहाँ लिखें इसको, कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, चलो ये रिजल्ट यहाँ साइड में लिख देते हैं कहीं, यहीं लिखते हैं इसको, है ना, ये साइड में लिख देते हैं कहीं, n बराबर ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ d। देखो इसको यहाँ साइड में लिखते हैं, n की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास, n की वैल्यू है ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ d, है ना। ये डिफरेंट होंगे, ये देखो कैसे प्रूव करें, एच के वन एच के टू आर डिफरेंट, ये सबके सब डिफरेंट है, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो इसका तरीका ये कि मान लो कोई दो सेम है, मैंने कहा मान लो एच के आई इक्वल टू एच के जे, मैंने कहा मान लो इनमें से दो आपस में सेम है, क्योंकि प्रूव करना था डिफरेंट, मान लिया दो सेम है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूव करना था ये सब डिफरेंट है, तो मान लिया कि ये दो सेम है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, और यहां से हम कुछ गलत रिजल्ट निकाल देंगे। देखो मैंने बताया था बेटा कि अगर कभी भी एच ए इक्वल टू एच बी हो, है ना, एच क्या है सेट है, एच क्या है सेट है, और ए बी क्या है एलिमेंट, यहां भी देखो एच क्या है सेट है और के आई और के जे क्या है एलिमेंट्स, यहां पर भी देखो के आ के वन के टू के थ्री सब क्या है एलिमेंट्स, यहां भी देखो डी क्या है सेट और के वन के टू के थ्री क्या है बोलो एलिमेंट्स, है ना, ये हमेशा इसके नीचे ऐसे करके लिखे जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये दो सेम है, देखो ये रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कभी भी एच ए बराबर एच बी होता था, ये मैंने बताया था बेटा आपको, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे कि ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये मैंने रिजल्ट आपको बताया था, इसको मैंने प्रूव भी किया था, जहां पर मैंने राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट कराया था वहां ये रिजल्ट बेटा मैंने प्रूव भी किया था। तो देखो यहां से आप सेम प्रोसेस से ऐसा कह सकते हैं कि के आई और ऑपरेशन के जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऐसा आप यहां पर कह सकते हैं। अब देखो चूंकि के आई के का एलिमेंट है, क्योंकि ये के वन के टू के थ्री के एलिमेंट है और के जे भी के का एलिमेंट है, तो के आई भी के का एलिमेंट है और के जे भी के का एलिमेंट है, तो के जे का इनवर्स भी के का एलिमेंट होगा, समझो, क्योंकि के एक ग्रुप है, ये भी के का एलिमेंट होगा, तो इनका जो ऑपरेशन है वो भी के का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये एच का एलिमेंट है और यही चीज के का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है के आई ऑपरेशन के जे इनवर्स ये एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट हो गया। देखो कई बार बताया ना, बीच में बहुत से लोग ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, खाली यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब वही है, अगर आप यहां पर कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी वो वही है ना। तो के आई ऑपरेशन है ना, के जे इनवर्स जो है ये एच इंटरसेक्शन के में बच्चों आएगा, या ऐसा कह दो कि के आई ऑपरेशन नहीं लगाओ बीच में, ये एच इंटरसेक्शन के में आएगा, क्योंकि तो कई किताबें बीच में ये ऑपरेशन नहीं लगाती हैं, सीधे वो मल्टीप्लाई ही लिखती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो एलिमेंट है ये एच इंटरसेक्शन के में आएगा, है ना, और एच इंटरसेक्शन के को हम क्या मान चुके हैं, डी, तो के आई के जे इनवर्स किस में आएगा, डी में आएगा, मैं समझ चुके एच इंटरसेक्शन के ही तो डी था, देखो स्टार्टिंग से बेटा। अच्छा अब देखो ये डी में आया, तो
तो अगर ये एलिमेंट डी में आया इसका मतलब क्या हो गया कि डी के आई बराबर डी के जे, तो वो फिर इसी का उल्टा रिजल्ट लगा दिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डी में आया तो डी का राइट कोसेट के आई के लिए और डी का राइट कोसेट के जे के लिए आपस में बराबर होंगे, इसी का उल्टा लगा दिया। अच्छा अब देखो यहां से क्या मिला, यहां से हमको मिल गया कि के आई बराबर के जे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो गए। दो राइट कोसेट या तो टोटली बराबर होते हैं या उनका इंटरसेक्शन फाई होता, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ यहां से हम कह सकते हैं कि के आई और के जे आपस में सेम हो गए। बस समझे, जो गलत है क्योंकि के आई और के जे हम अलग अलग एलिमेंट्स मान के चले हैं इसके के, क्योंकि ये के वन के टू के थ्री ये सब कैसे हैं, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमने ये माना है वो गलत है। यही तो प्रूव करना था कि एच के आई और एच के जे आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट है, और हम मान के चलें कि सेम है और वहां से गलत रिजल्ट हमने सामने ला दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेम आ गए, गलत हो गया। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत मान लिया, यानी कि एच के आई और एच के जे आपस में कैसे हो गए बोलो, डिफरेंट। वही हम प्रूव करना चाहते थे कि सब आपस में डिफरेंट है। तो थ्योरम कहती है कि इसे करके दिखाइए, ऐसे नहीं आपका काम चलेगा कि आपने बोल दिया डिफरेंट है तो है, तो वो हमने कर दिया, चलो भाई कर लेते हैं। और ये प्रोसेस हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं डिफरेंट शो करने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आ गए देखो हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो जरा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो एच के आया वो एच के वन एच के टू इन सबका यूनियन आया है ना, और ये सब कितने हैं, एन डिफरेंट है। अच्छा देखो जरा समझो, समझो यहां पर ध्यान से क्या होता है बच्चों कि जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ये थ्योरम है सेट्स की कि ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ए और बी डिफरेंट हैं, डिफरेंट का मतलब उनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। तो ऐसे केस में एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। लेकिन ये कब होगा, जब ए और बी टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहां पर हम ये कह चुके हैं कि ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, क्योंकि ये सारे राइट कोसेट है। राइट कोसेट या तो सेम होंगे या टोटली डिफरेंट होंगे, ये हमने पढ़ा है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा या सब कुछ कॉमन होगा। राइट कोसेट, दो राइट कोसेट या तो बिल्कुल सेम होते हैं या बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सब डिफरेंट है, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर हमें एच के का ऑर्डर चाहिए, एच के का ऑर्डर मतलब एच के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो इन सबके एलिमेंट्स आपस में एड हो जाएंगे, है ना। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच के वन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच के टू प्लस 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 ऐसा का चलेगा। और ये कितने हैं, एन, ये एन चीजें हैं, ध्यान दो, है ना, यहां पर ये एन चीजें हैं। अब देखो एच के वन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एच के टू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ये आपस में एन चीजें हैं, ये सभी की सभी एन चीजें हैं। अच्छा अब जरा समझो, देखो एच में मान लिया एच का ऑर्डर जो है, मान लिया एच का ऑर्डर एम है, मान लिया एच का ऑर्डर एम है। तो देखो एच के वन एच के टू, तो एच के वन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम, और एच के टू में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम 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 एम, एन टाइम्स ये ऐड होगा, क्योंकि ये चीजें एम टाइम्स जा रही हैं। कितनी चीजें हैं, ये एम, और एच के वन का मतलब एच का राइट कोसेट, है ना, एच का राइट कोसेट। और अगर एच में एम एलिमेंट्स हैं तो राइट कोसेट भी कितने बनेंगे, क्योंकि मान लो एच वन एच टू से लेकर के एच एम ये एच के एलिमेंट्स हैं,
तो जब आप एच के वन निकालोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एच वन ओ के वन होगा और एच टू ओ के टू होगा, तो कितने एलिमेंट्स के वन होगा ना, क्योंकि के वन के लिए निकाल रहे हैं, तो के वन को एच वन से ऑपरेट करोगे, के वन को एच टू से करोगे, के वन को एच एन से करोगे, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स किसके हैं, एच के हैं, बस समझे ना। तो K1 को H1 से ऑपरेट करोगे, K1 को H2 से करोगे, K1 को HM से करोगे, ये सब H के एलिमेंट, तो यहां पर भी M एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें भी M एलिमेंट, इसमें भी M एलिमेंट, M एलिमेंट, M एलिमेंट, तो M M M N टाइम्स ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा M into N, और ये क्या मिला, ये मिला ऑर्डर ऑफ H के। अब आप समझिए N क्या है, N ये है, बोलो ऑर्डर ऑफ H के बराबर M into N, N का मतलब देखो ये क्या है, बोलो ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ डी, और ये एम क्या है, एम है ऑर्डर ऑफ एच, तो देखो यहां से मिल गया ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच इनटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ डी, देखो यहां से ये रिजल्ट हमको मिल गया, और डी का मतलब वही क्या, एच इंटरसेक्शन के, तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के और डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ एच के का प्रूव आ गया बच्चों। तो हमें लगता सही टाइम में हो गया, बहुत लंबा नहीं गया, मुझे लगा था बहुत लंबा चला जाएगा तो वीडियो बीच में कट जाएगा, कटा नहीं वीडियो, अभी शायद 35-40 मिनट ही हुआ है तो बच गया बेटा, लंबा जाता तो वीडियो कटता, फिर अगले वीडियो का वेट करना पड़ता, कोई टेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बच्चों हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ एच के, एच के का मतलब प्रोडक्ट, तो उसके जो प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे जब हम एच और के निकालेंगे, तो एच के में कितने एलिमेंट्स बनेंगे वो यहां से हमको मालूम चलेगा। ऑर्डर का मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि फाइनाइट है सब कुछ, फाइनाइट ग्रुप में ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्रूव कर लिया, समझ भी लिया, और इसका यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग करोगे, अच्छे से करोगे, कोई टेंशन नहीं लेना लाइफ में, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा बेटा, ग्रुप थ्योरी पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, सब कुछ कराएंगे और कोशिश करके हर बी एस सी एम एस सी का टॉपिक कवर करेंगे। अभी बहुत से टॉपिक हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से बच्चे पीछे पड़े हैं, सर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा दीजिए, बहुत से बच्चे अलग अलग टॉपिक लेके चलते हैं, किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा दीजिए, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है, टेंशन नहीं करना, इंजॉय करना सीखो, मैथ्स में बेटा इंजॉय करना सीखो, दैट्स इट, मैथ्स में जिस दिन इंजॉय करना सीख गए, उसको समझ के, उसको पढ़ के, उसको उसमें खेलना सीखो, चलिए खैर अब सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय।